हेलो एवरीवन, होप आपने एंजॉय किया होगा क्लासरूम को। और आज क्लास ट्वेल्थ का जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके डीपीपी डिस्कशंस की बात करते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन आयल ड्रॉप इन मिल्कन एक्सपेरिमेंट। मिल्कन एक्सपेरिमेंट पे जो आयल ड्रॉप यूज किया गया था उस पर इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो आपने बच्चों पढ़ा है कि मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसका मतलब चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या लिखते हैं बच्चों, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा दैट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यहां पे एन जो होगा आपका एक होल नंबर होगा, दिस इज होल नंबर, एक होल नंबर होगा। और पॉजिटिव चार्ज कब होगा, व्हेन द बॉडी लूजेस सम इलेक्ट्रॉन। और अगर निगेटिव चार्ज कब आएगा किसी बॉडी पे, जब व्हेन द बॉडी गेन सम इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे एन होल नंबर होगा लाइक 1, 2, 3, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए एन का वैल्यू। तो आप देखोगे अगर एन का वैल्यू निकालना है तो आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बाई ई, और ये एक होल नंबर होगा। अगर होल नंबर है देन उस बॉडी पे चार्ज हो सकता है। अगर ये नंबर एन का वैल्यू फ्रैक्शन में आया इट मीन्स दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बच्चों अगर करके देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन में है एन का वैल्यू निकालते हैं तो क्यू का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 4.0 × 10⁻¹⁹ कूलम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। बच्चों जब सॉल्व करोगे यू विल गेट हेयर 2.5। तो बच्चों आप देखोगे क्योंकि ये और ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड 4/1.6 सॉल्व करेंगे दैट विल बी द 2.5। और 2.5 जो है बच्चों ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे आपने देखा कि ये पॉसिबल नहीं है। नाउ गो टू द सेकेंड ऑप्शन। अगर आप दूसरे ऑप्शन पे बच्चों जाते हो एन का वैल्यू निकालेंगे तो नेक्स्ट में जो चार्ज लेंगे दैट इज 6.0 × 10⁻¹⁹ कूलम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। बच्चों जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट हेयर 3.75। ये भी एक होल नंबर नहीं है बच्चों, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। फिर आप आ जाओगे ऑप्शन नंबर थर्ड पे। तो बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड पे अगर आप आएंगे एन का वैल्यू निकालते हैं, चार्ज का वैल्यू है 10। तो बच्चों देखेंगे 10.0 × 10⁻¹⁹ कूलम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो बच्चों आप इसको जब कट करोगे यू विल गेट हेयर अगेन एन बराबर 6.25। तो बच्चों आपने क्या देखा, चाहे वो फर्स्ट ऑप्शन हो, सेकंड ऑप्शन हो, थर्ड ऑप्शन हो, सब में एन का वैल्यू फ्रैक्शन में आया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो इसमें से बच्चों, इन चार्ज में से कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है ऑयल ड्रॉप पे, बिकॉज इट डू नॉट ओबे द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एन का नंबर होल नंबर होना चाहिए, और आपने देखा इन तीन ऑप्शंस में से कोई भी होल नंबर एन का नहीं आ रहा है, इसलिए आपका जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा दैट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम विच इज नॉट पॉसिबल। तो आपने देखा आपसे पूछा गया है कि कैन नॉट प्रेजेंट, कौन सा प्रेजेंट नहीं हो सकता आयल ड्रॉप पे। तो आपने देखा बच्चों इन तीनों में से कोई भी चार्ज उस आयल ड्रॉप पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Our next question of DPP 1, if in Millikan experiment charge on drop are found to be 8 microcoulomb, 12 microcoulomb, 20 microcoulomb, then quanta of charges. First option is 8 microcoulomb, second option is 4 microcoulomb, third is 20 microcoulomb and fourth is 12 microcoulomb. In मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में अगर किसी आयल ड्रॉप पे चार्ज पाया गया 8 माइक्रोकुलम, 12 माइक्रोकुलम, 20 माइक्रोकुलम, तो पूछा जा रहा है कि क्वांटा ऑफ चार्ज क्या होगा। तो आपको जैसा कि पता है कि मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो एक बेस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और
क्यू बराबर आपने पढ़ा था प्लस एन ई, जहां पे बेस वैल्यू को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेते थे वहां पे, एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेते थे तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता था वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता था। लेकिन यहाँ पे अगर ऑयल ड्रॉप पे तीन चार्जेस दिखाया जा रहा है, 8 माइक्रोकुलम, 12 माइक्रोकुलम एंड 20 माइक्रोकुलम, तो पूछा जा रहा है कि क्वांटा ऑफ चार्ज बताइए इस केस में। तो आपको देखना है कि यहाँ पे बेस क्वांटिटी कौन सा है जिसका ये बाकी सब चार्जेस इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो आप ध्यान से देखोगे कि 8 माइक्रोकुलम, 4 माइक्रोकुलम, 20 माइक्रोकुलम एंड 12 माइक्रोकुलम में जो बेस होगा, बेस चार्ज कितना लिया जाए कि बाकी सब चार्ज उस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो आप देख सकते हैं कि बेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो दैट बेस वैल्यू इज 4। अगर आप 4 से 8 को डिवाइड कर देंगे, 4 2 8 एंड 4 1 4, 4 5 20 एंड 4 3 12, तो 4 एक बेस क्वांटिटी ऐसा है जिससे ये सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स इस ऑयल ड्रॉप पे जो चार्ज होगा वो 4 का इंटीग्रल मल्टीपल है। इसलिए हम क्वांटा ऑफ चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो क्वांटा ऑफ चार्ज जिस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा बाकी चार्ज, दैट इज 4 माइक्रोकुलम। योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, द आंसर इज 4 माइक्रोकुलम। क्वेश्चन नंबर 3, इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन इज हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, सेकेंड ऑप्शन इज 0, थर्ड ऑप्शन इज स्क्वायर ऑफ लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज एंड फोर्थ इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, according to quantization of charge, charge on any body is an integral multiple of charge on an electron. ये जो n है वो होल नंबर होगा 1 2 3 ... तो आप क्या देख रहे हैं कि जो भी लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है, इफ यू टेक द लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब 1 2 3 होल नंबर में। दस द ऑप्शंस 1 2 3 and 4, in which option number 4 is correct, the answer is 4. Now next question, question number 4. Chaliye, next question aapka question number 4, a glass rod is rubbed with the silk and used to charge gold leaf electroscope and the leaves are observed diverge. The electroscope thus charged is exposed to x-ray for a short period, then divergence of the leaf will be not affected, the leaves will diverge further. थर्ड ऑप्शन इज द लीफ विल कोलैप्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज द लीफ विल मेल्ट। अगर किसी ग्लास रॉड को आप सिल्क पे रब करेंगे, जैसा कि यहाँ देखिए ग्लास रॉड को सिल्क पे रब करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क पे जाएगा, जैसे ही जाएगा देन इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर सिल्क रॉड से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ देन ये जो आपका ग्लास रॉड है दैट बिकम पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही ग्लास रॉड आपका पॉजिटिव चार्ज हुआ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में जैसे ही आप इसको टच कराएंगे ये प्लस प्लस जो लीव्स होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आप फर्दर एक्सरे, जैसे ही एक्सरे को शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आप उसके ऊपर ले जाते हैं तो जिसके वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज, एक्सरे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस और ज़्यादा होगा जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन गोल्ड लीफ पे बढ़ जाएगा जिससे डाइवर्जेंस क्या होगा और इंक्रीज कर जाएगा, तो लीव्स विल डाइवर्ज फर्दर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, जो बता रहा है द लीव्स विल डाइवर्ज फर्दर। योर आंसर इज आंसर नंबर 2। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक DPP1 ऑफ मेंटर्स एडुसर पैकेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन नेगेटिव, फर्स्ट ऑप्शन इज नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्फेस ऑफ द स्फेयर, सेकेंड ऑप्शन इज नेगेटिव एंड अपीयर्स ओनली एट द पॉइंट चार्ज, थर्ड ऑप्शन इज नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली ओवर द इंटायर सर्फेस ऑफ द स्फेयर, नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज 0। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये एक न्यूट्रल स्फेयर लिया हमने, यहाँ पर हमने एक न्यूट्रल स्फेयर लिया और इस न्यूट्रल स्फीयर के सामने हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा नेगेटिव चार्ज,
माइनस क्यू मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, उतना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस्ड होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ इंड्यूस हुआ माइनस क्यू, जितना माइनस क्यू इंड्यूस हुआ उतना ही प्लस क्यू। ओवरऑल दिस बॉडी इज न्यूट्रल स्फीयर है। अगर आप नेट चार्ज निकालोगे तो माइनस क्यू यहाँ प्लस के सामने माइनस क्यू इंड्यूस हुआ और प्लस प्लस को रिपेल करेगा, यहाँ चला गया। तो ओवरऑल चार्ज ऑन द स्फीयर इज माइनस क्यू प्लस एंड प्लस क्यू, एड करेंगे डेट विल बी जीरो। दस योर आंसर इज फोर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर विल बी जीरो। नाउ द आंसर इज फोर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। इफ अ बॉडी हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट देन इट मीन्स इट हैज, किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज गेन्स सम प्रोटॉन्स एंड सेकेंड ऑप्शन इज लॉस्ट सम प्रोटॉन्स, थर्ड ऑप्शन इज गेन सम इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर क्या हो रहा होगा कि दैट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज? तो जैसा कि आपको पता है कि इफ यू टेक सोडियम इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रल है। तो अगर हम बात करें इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स, तो अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देखेंगे तो माइनस 11 ई और प्रोटॉन पे प्लस 11 ई, टोटल प्रोटॉन्स का जोड़ेंगे द नेट चार्ज ऑन द सोडियम विल बी जीरो। माइनस 11 ई प्लस 11 ई, दिस इज द न्यूट्रल सोडियम, दिस इज द न्यूट्रल एटम। अगर हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करा दिया, अगर इससे एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है नाउ दिस सोडियम हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल नेगेटिव चार्ज विल बी माइनस 10 ई एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इज प्लस 11, प्रोटॉन का संख्या उतना ही रहेगा। नाउ द नेट चार्ज ऑन इट इज प्लस 1 ई, दिस बिकम पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप सोडियम से सोडियम प्लस पे जाते हैं, सोडियम बिकम पॉजिटिवली चार्ज, देन दिस सोडियम विल लॉस द इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको पूछा जाए कि किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो आखिर क्या हुआ होगा, तो योर आंसर इज दैट बॉडी विल लॉस सम इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। दस द आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन। श्योर चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका श्योर कैसे होंगे हम इसके श्योरिटी के बारे में कि ये चार्ज ही है? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, सेकेंड ऑप्शन इज रिपल्सन बिटवीन द बॉडीज, थर्ड ऑप्शन इज अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड द फोर्थ ऑप्शन इज फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज। दो बॉडी के बीच में चार्ज है ये कैसे पता लगाएंगे? मान लीजिए कि दो बॉडी है और उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो अट्रैक्शन होने का क्या कारण हो सकता है? ऑल्सो ड्यू टू द मास, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। अट्रैक्शन ऑल्सो ड्यू टू द कुलंबियन फोर्स, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, उसकी वजह से भी अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। अगर हम बात कर देंगे कि इंडक्शन भी करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज ले जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन मास की वजह से भी हो सकता है और चार्ज की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब दोनों पे लाइक चार्जेस होंगे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे। इसका मतलब रिपल्सन जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ही वजह से होगा, अगर वो इलेक्ट्रिक चार्ज है तो। मास के वजह से रिपल्सन नहीं होगा। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, ये श्योर कर दिया कि देयर इज लाइक चार्जेस ऑन द बोथ द बॉडीज, जिसके वजह से कह सकते हैं कि अगर दो बॉडी रिपेल कर रहा है, दिस कन्फर्म द इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्योंकि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर एट। इफ अ सॉलिड एंड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हैव सेम रेडियस देन, एक सॉलिड एंड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस सेम है उस पर क्या होगा? योर फर्स्ट ऑप्शन इज हॉलो स्फीयर विल होल्ड मोर मैक्सिमम चार्ज, सेकेंड ऑप्शन इज सॉलिड स्फीयर विल होल्ड मोर मैक्सिमम चार्ज, थर्ड ऑप्शन इज बोथ द स्फीयर विल होल्ड सेम मैक्सिमम चार्ज एंड फोर्थ ऑप्शन इज बोथ द स्फीयर कैन नॉट होल्ड चार्ज।
क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पास सेम रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है, बोथ हैविंग रेडियस आर, अगर दोनों का रेडियस आर है, दे हैव सेम रेडियस एंड बोथ आर कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग स्फीयर, देन कंडक्टर के केस में जो चार्ज हम देते हैं तो दैट ऑलवेज गोज ऑन द सरफेस ऑफ दैट स्फीयर। तो स्टेडी स्टेट में अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज देंगे तो उसके इनसाइड द बॉडी कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं करता है, दैट मूव ऑन द सरफेस। इसलिए जो भी चार्ज अगर आप दोगे सॉलिड स्फीयर पे, वो पूरा का पूरा उसके सरफेस पे चला जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में कोई चार्ज रिसाइड नहीं करता है। अगर आपने आइडेंटिकल है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दिए, देन बोथ द स्फीयर हैव अ सेम मैक्सिमम चार्ज, तो दोनों स्फीयर जो होगा विल होल्ड सेम मैक्सिमम चार्ज ऑन इट्स सरफेस, हेंस द आंसर इज थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हेन अ कंडक्टिंग सोप बबल इज नेगेटिवली चार्ज्ड, देन अगर कोई कंडक्टिंग सोप बबल है उस पर आप नेगेटिवली चार्ज डालोगे, नेगेटिव चार्ज डालोगे, तो क्या होगा उस सोप बबल के साथ? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इट्स साइज स्टार्ट्स वेरिंग आर्बिट्री, सेकेंड ऑप्शन इज इट्स एक्सपैंड्स, थर्ड ऑप्शन इज कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नो चेंज इन इट्स साइज टेक प्लेस। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। एक सोप बबल है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, दिस इज द सोप बबल। सोप बबल एक कंडक्टिंग बॉडी है और इस पर अगर आपने एक कुछ नेगेटिव चार्ज दे दिया, दैट नेगेटिव चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो आपने इस पर माइनस क्यू चार्ज दिया, दैट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सोप बबल। अब क्या है कि ये हर सोप बबल इंडिविजुअल चार्जेस जो होंगे इसके ऊपर एक दूसरे को लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये सब जो लाइक चार्जेस है नेगेटिव नेगेटिव, एक सबको रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के वजह से जो स्फीयर का साइज होगा दैट विल एक्सपैंड। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज देते तब क्या होता, अगर आप पॉजिटिव चार्ज भी आप डालोगे तो जो सोप बबल है उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर, और जिसके वजह से इसका साइज बढ़ जाएगा, देन द सोप बबल विल एक्सपैंड्स। योर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। 5 बॉल मार्क्ड ए टू ई आर सस्पेंडेड यूजिंग अ सेपरेट थ्रेड्स, पेयर बी सी एंड डी ई शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, वाइल ए बी कॉमा सी ई एंड ए ई शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, द बॉल मार्क्ड ए मस्ट बी, योर ऑप्शंस आर नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, अनचार्ज एंड एनी ऑफ द अबव पॉसिबल। 5 बॉल है, इसका मार्क हमने कर दिया यहाँ पे, देयर आर 5 बॉल्स ए बी सी डी एंड ई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी के बीच में अट्रैक्शन है, ए और ई के बीच में अट्रैक्शन है, सी और ई के बीच में अट्रैक्शन है, बी और सी के बीच में रिपल्सन है, एंड सी और डी एंड ई के बीच में रिपल्सन है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से कि अगर ए और बी के बीच में अट्रैक्शन है, या आप देखिए बी और सी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब दे हैव अ सेम नेचर ऑफ चार्ज। मान लीजिए इसको पॉजिटिव पॉजिटिव बोल दें, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, और ये वाला सी ई को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब अगर ये सी पॉजिटिव है इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा बी और सी के बीच में रिपल्सन है, हमने मान लिया कि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, और बी ए के साथ अट्रैक्शन में है, इस केस में ए पे चार्ज होना चाहिए नेगेटिव, सो डैट ये पॉजिटिव को क्या कर देगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं, बी और सी एक दूसरे को रिपेल किया, दोनों पे चार्ज का नेचर सेम, लेकिन सी और ई एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, इट मीन्स अगर सी पे पॉजिटिव चार्ज है इट मीन्स ई पे नेगेटिव चार्ज होगा, और ई और ए अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन यहाँ पे आइएगा जवाब, तो ई अगर नेगेटिव है तो इस पे क्या डेवलप होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो आप क्या देख रहे हो कि इस ए पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों शो कर रहा है, इट मीन्स ये जो बॉडी होगा दैट इज न्यूट्रल होगा,
मतलब इस पे चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा होगा, आप कह सकते हैं ये एक अनचार्ज्ड है. योर आंसर इज आंसर नंबर थर्ड, क्योंकि ए सोज अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन इन द बोथ केसेस, इसलिए द नेट चार्ज, और कह सकते हैं कि दिस ए इज अनचार्ज्ड बॉडी. आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि व्हेन अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ वूल इज बाउट नियर द नॉब ऑफ नेगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, द गोल्ड लीव्स, फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड ऑप्शन इज डायलेट, थर्ड ऑप्शन इज स्टार्ट ऑसिलेटिंग एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कोलैप्स कंप्लीटली. आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ग्लास रॉड को लिया और उसको वूल पे रब करेंगे. जैसे हम उस पे रब करेंगे इट विल गेन सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वूल, ग्लास रॉड विल बिकम नेगेटिव चार्ज. जैसे ही ग्लास रॉड नेगेटिव चार्ज हो गया और आपके पास एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इस पर ऑलरेडी आपने नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ रिपल्सन होगा, ये लीफ जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्लास रॉड को जैसे ही हम इसके नॉब पे लाएंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के नॉब पे लाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज जो इस पर आ चुका है और ये इस पर जो नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करेगा, इस टिप पे जो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ से भागेगा और जाकर के इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे गोल्ड लीफ पे जो कंसंट्रेशन है नेगेटिव चार्ज का, डैट विल इंक्रीज, जिसके वजह से जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा. और आप कह सकते हैं कि द गोल्ड लीफ विल फर्दर डायलेट्स, और ज़्यादा वो रिपेल कर जाएगा. दस द आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए बच्चों चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे. डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 12, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा. आपको पता होगा दीज ऑप्शंस आर हेयर, कूलम्स पर न्यूटन मीटर, सेकंड ऑप्शन इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन इज न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन इज कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर का होल स्क्वायर पर में. आप देख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. आपसे पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए, बाकी सबको वहीं रहने दीजिए. दिस विल बिकम 1/4 पाई, एफ को लेके नीचे चले जाइए, ऊपर है इधर आएगा नीचे, और ये Q1 Q2 by R square. नाउ राइट द यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, दो है चार्ज Q1 and Q2, देन इट बिकम COULOMB कूलम्ब का स्क्वायर, और पर फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और पर में आपका आर स्क्वायर है, इसके जगह पे लिखेंगे हम लोग मीटर का स्क्वायर. आप देख सकते हैं द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर. नाउ सी द ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस इट्स स्पेसिफिक चार्ज, फर्स्ट ऑप्शन डिक्रीजेस, सेकंड ऑप्शन इंक्रीजेस, थर्ड रिमेन सेम एंड फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस. अगर किसी पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दें, उस पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा. आप थोड़ा आइए, आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है मास एक्सपेंशन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन. अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से फेंकेंगे तो क्या क्या फर्क होगा, उसका मास एक्सपेंड करता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम विल डायलेट. आपको यहाँ पे देखना है मास एक्सपेंशन के बारे में आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया, एम इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 - V² / C², वेयर दिस एम नॉट इज द रेस्ट मास एंड दिस एम इज द मूविंग मास, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड वी इज द वेलोसिटी थ्रू विच यू प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट. और अगर आप 0.87 स्पीड ऑफ लाइट से अगर फेंकते हैं, दैट मास मूविंग मास विल बिकम डबल ऑफ द रेस्ट मास. आपके क्वेश्चन में पूछा गया स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज का इक्वेशन आप जानते हैं, दैट इज चार्ज अपॉन मास. आपने पढ़ा है चार्ज इज इनवेरिएंट, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से या वेरी हाई स्पीड से फेंकेंगे चार्ज इंक्रीज नहीं करेगा, बट मास विल इंक्रीज. तो अगर आपका ये चार्ज कांस्टेंट है, अगर आपका ये चार्ज कांस्टेंट है, ये इंक्रीज नहीं किया, इनवेरिएंट है, और ये मास जो है वो इंक्रीज किया, तो अगर ये मास इंक्रीज करेगा नीचे
और चार्ज रिमेंस कॉन्स्टेंट, तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे द स्पेसिफिक चार्ज विल डिक्रीजेज। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। योर करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें स्पेसिफिक चार्ज विल डिक्रीजेज। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चंस इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज, चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। योर फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रैंकलिन, सेकंड ऑप्शन इज फैराडे, थर्ड ऑप्शन इज कूलम्ब एंड फोर्थ ऑप्शन इज EMU। आपको पता होगा कि अगर हम बात करते हैं फ्रैंकलिन की, तो फ्रैंकलिन और ESU, या कह सकते हैं आप स्टैटकुलम, फ्रैंकलिन ESU और स्टैटकुलम, और वन कुलम्ब इज इक्वल टू 3×10⁻⁹ ESU। तो आप देख सकते हैं कि 1 ESU इज इक्वल टू 1 कुलम्ब डिवाइडेड बाई 3×10⁻⁹। और 1 फैराडे की अगर हम बात करेंगे, दैट 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कुलम्ब। और EMU एक टर्म है, जैसे अगर हम बात करें EMU ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई ESU ऑफ चार्ज, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 3×10⁸। आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रैंकलिन ESU या स्टैटकुलम कह सकते हैं आप, एंड दैट 1 कुलम्ब इज इतना, देन 1 ESU इज 1 कुलम्ब डिवाइडेड बाई 3×10⁹। आप इसको कंपेयर करें फ्राइडे से, फ्राइडे इज ए वेरी लार्ज यूनिट, 1 फ्राइडे इज इक्वल टू 96500 कुलम्ब, एंड EMU बाई ESU इज इक्वल टू 3×10⁸, देन 1 EMU ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3×10⁸ टाइम्स ऑफ ESU ऑफ चार्ज। तो आप देख रहे हैं इस ओवरऑल में ESU इज द वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, विच इज ऑल्सो नोन एज फ्रैंकलिन या स्टैटकुलम के नाम से जानते हैं। इसी योर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 1। चलिए डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन ऑफ द DPP 1। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ DPP 1 में हम देखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ क्वाइन सो दैट इट एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ 10⁻⁶ कुलम्ब। 1 माइक्रो कुलम्ब चार्ज किसी बॉडी पे प्रोड्यूस कराना है, उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा वो बताना है आपको। योर फर्स्ट ऑप्शन इज 6.25×10⁻¹, सेकेंड ऑप्शन इज 1.6×10⁶, एंड थर्ड ऑप्शन इज 1.6×10⁻¹⁹, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 6.25×10⁻¹². किसी भी बॉडी पे 10⁻⁶ कुलम्ब चार्ज प्रोड्यूस कराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। आपने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने देखा क्यू बराबर प्लस माइनस एनी, एन की बात अगर हम करें तो कह सकते हैं मॉड ऑफ क्यू बाई ई। आपको देखना यहाँ पे है कि चार्ज का वैल्यू दिया हुआ 10⁻⁻, जो आपको प्रोड्यूस कराना है 10⁻⁶ कुलम्ब, एंड 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे 1.6×10⁻⁹ कुलम्ब। जब इसको आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 6.25 × आप यहाँ ऊपर ले जाएंगे, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस करके सॉल्व करेंगे यू विल गेट n इज इक्वल टू 6.25×10⁻½। नाउ सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, आप मिला के देखोगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। योर ऑप्शन नंबर 4, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखेंगे क्योंकि फर्स्ट में 10⁻⁰ है, इसमें 10⁻12 है, आप जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 6.25×10⁻½ इज द करेक्ट आंसर। जस्ट सी दिस।